अंशु जी, सबसे पहले बात की जाए तो आपका बॉलीवुड हेल्पलाइन में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले बात की जाए अगर वेडिंग फोटोग्राफी की, तो पहले इंडिया में इतना चैन नहीं था इस चीज़ का। धीरे धीरे करके अभी हम आजकल देख रहे हैं कि हर किसी को जो है अपनी शादियों को फोटोज बहुत अच्छे लगते हैं। क्या क्या वजह है इस चीज़ के? आई थिंक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले किया है वो सोशल मीडिया ने किया है। अगर हम देखें आज से करीबन 10-15 साल पुरानी बात, शायद वेडिंग फोटोग्राफी इतना चलन में नहीं था, या था भी तो सिर्फ उस टाइम पे ये था कि शादी है तो फोटोग्राफर आता है, ये ही एक चलन था। बट आज इतना पर्टिकुलर हो गई हैं चीज़ें, जो कि आजकल के जो ब्राइड ग्रूम हैं उनको पता है मुझे कौन फोटोग्राफर चाहिए, मुझे कौन मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, मुझे कौन मेहंदी वाली चाहिए। तो आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सो सोशल मीडिया के कारण आज हर कोई देख रहा है कि किस सेलिब्रिटी से कौन शूट करा रहा है, किसने किस सेलिब्रिटी को शूट किया। तो इतना ट्रेंडिंग हो गई हैं ये चीज़ें आज के लिए। मैं इसका सिंपल सा बोलना चाहूँगा कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा आजकल ट्रेंड में। आपने जैसे कहा सोशल मीडिया, तो वैसे सेलिब्रिटीज़ का भी मतलब काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनके भी कुछ, जब लोग शादी के शूट्स करवाते हैं, जैसे आपने आपको जैसे प्रोफाइल पढ़ा था उसमें लिखा था कि आपने प्रिंस नरूला, yes. श्वेता तिवारी और भी कई सेलिब्रिटीज का, करिश्मा खन्ना के शूट किए हैं आपने, तो एग्जैक्टली आप क्या सेलिब्रिटीज़ के उसमें क्या क्या डिमांड रहती है उनकी, कैसे क्या रहता है? देखिए, सेलिब्रिटी जब हमें कभी भी अप्रोच करते हैं उनकी वेडिंग के लिए, तो हमारा एक जो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, लाइक हम एक ह्यूमन इमोशंस पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। हर सेलिब्रिटी अपने आप को कैमरे पे देख चुका है, हर सेलिब्रिटी अपने आप मतलब उनका कभी ना कभी कोई ना कोई रोमांस सीन हो चुका है। तो हमारी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट रहती है कि जिस भी सेलिब्रिटी का हम शूट करें, बिकॉज जो वेडिंग इंडियन वेडिंग्स हैं स्पेशली, इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस, इमोशंस एंड एवरीथिंग। तो जब भी हम सेलिब्रिटी वेडिंग शूट करते हैं तो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी होते हैं, बिकॉज दे हैव बीन शॉट बाय सो मैनी वेडिंग फोटोग्राफर्स, एंड एक थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर रहता है। बट आई थिंक एज अ वेडिंग फोटोग्राफर, इफ़ यू रियली लाइक यू नो ट्राई टू ऑब्जर्व थिंग, यू विल सी लाइक देयर इज लॉट ऑफ मोमेंट विच नीड्स टू बी कैप्चर्ड, एंड दैट एग्जैक्टली वी डू एट एपिक स्टोरीज। आपकी इंस्पिरेशन क्या थी जब आप वेडिंग फोटोग्राफर बने थे? आप किसको इंस्पायर, आप किससे इंस्पायर हो गए थे और आपको क्यों लगा कि आपको वेडिंग फोटोग्राफर बनना? सी, मेरे लिए जो इंस्पिरेशन थी ना, वो हमेशा से एक फोटोग्राफर हैं जिनका नाम है जोसेफ राधिक। वो मेरे लिए हमेशा से इंस्पिरेशन है, नॉट बिकॉज ऑफ अ पिक्चर। ही ऑल्सो राइट कि वाई दैट पिक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई दैट पिक्चर इज स्पेशल, और मैं बहुत रेजोनेट करता हूँ उनसे। तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो ही मतलब वो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे। वो भी एक सेलिब्रिटी वेडिंग फोटोग्राफर हैं, तो आई थिंक मैंने कुछ सीखा कुछ नहीं सीखा, बट डेफिनेटली लाइक यू नो आई एम रियली फैन ऑफ इट। आपके आगे के क्या क्या प्रोजेक्ट्स आएंगे और क्या है? अभी आगे के प्रोजेक्ट्स जो सेलिब्रिटीज़ के हैं वो तो at this point of time because of NDA we cannot reveal, but there is a lot of thing coming up next. Upcoming projects जो हमारे हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं, all over the world हैं। ग्रीस में है, इंडोनेशिया में है, बाली इंडोनेशिया में है, दुबई में है, टर्की में है। तो अभी ये लाइनअप है हमारा इस next। वेडिंग फोटोग्राफी की बात की जाए तो वेडिंग फोटोग्राफी एक अलग से, ये मतलब कि लोग पहले इस प्रोफेशन के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। बिल्कुल, आजकल जो है कई सारे फोटोग्राफर जो है वेडिंग फोटोग्राफर, मतलब कि कई सारे अच्छे वेडिंग फोटोग्राफर बनने लगे हैं, तो कितना कॉम्पिटिशन लगता है आपको मार्केट में? सी, आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर 100 वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो 200 शादियाँ भी हो रही हैं। तो मुझे एज सच कभी कॉम्पिटिशन नहीं लगा। इफ़ यू आर रियली गुड एट योर वर्क, आपको काम हमेशा मिलेगा। कॉम्पिटिशन डेफिनेटली है, आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में है वेडिंग फोटोग्राफी, बट आई वुड से अगर आप अपनी स्किल पे काम करते हैं तो आपको कॉम्पिटिशन से डरने की ज़रूरत नहीं। इफ़ यू आर स्पेशलाइज इन सर्टेन फील्ड, आई थिंक पीपल विल अप्रोच यू एंड आस्क यू फॉर। तो
सोशल मीडिया की बात की जाए तो सोशल मीडिया में और यूट्यूब में भी हम देखते हैं कई सारे वेडिंग फोटोग्राफी होती रहती है और मतलब लोग उस पर काफ़ी ध्यान देते हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? मैंने आपको पहले भी बोला कि आजकल क्या है, YouTube, Instagram एक ओपन सोर्स है हर किसी वेडिंग मतलब जैसे ब्राइड और ग्रूम के लिए, तो हमको भी डे टू डे लाइफ में अपने बेसिस पे हमको भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन चीज़ों से इंस्पिरेशन लेना, खुद को अपडेट करना। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ Instagram, YouTube, एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग करेंटली, तो उसके रहते भी लाइक वी हैव टू अपडेट अवर सेल्फ, अवर कैमरा, अवर अप्रोचेज टू मेक श्योर कि जो भी ब्राइड एंड ग्रूम हमें कॉन्टेक्ट करें, वट एवर देयर नीड इज़, हम उनको प्रोवाइड कर पाए। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फॉलोअर्स को और अपने फैंस को? फैंस और फॉलोअर्स में जनरली मैं अपने फेलो फोटोग्राफर्स को बोलना चाहूँगा कि इफ़ यू आर मतलब अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी फील्ड में आना चाहते हैं या आने वाले हैं, तो कभी भी इसको एज अ बिजनेस ट्रीट मत करिए कि ये एक सोर्स ऑफ इनकम है। डेफिनेटली इफ़ यू आर रियली गुड एट योर वर्क, बिजनेस आपके पास डेफिनेटली आएगा, बट ऑलवेज वेडिंग जो चीज़ है कि बहुत इमोशनल अटैचमेंट है, तो जब अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो हमेशा इसको इस तरीके की सोचिए कि अगर ये आपके घर की वेडिंग है तो आप इसको कैसे सोचेंगे, अगर आपके मम्मी पापा क्या फील करते हैं उस शादी के लिए, वो अगर वो अप्रोच आपकी रहती है तो आप हर एक वेडिंग के साथ जस्टिस कर पाएंगे। वेडिंग्स में पीक सीजन होते हैं, तो आपके हिसाब से पीक सीजन क्या रहता है इंडिया में वेडिंग्स के? इंडिया में पीक सीजन जनरली नवंबर से चालू होता है और फरवरी तक रहता है। ये 4 महीने ऐसे होते हैं कि जहाँ पर इंडियन वेडिंग सबसे पीक पे होती है। और एग्जैक्टली अगर गर्मियों की बात की जाए तो इतनी वेडिंग्स नहीं होती, तो उस टाइम पे आप कैसे मतलब मैनेज करते हैं? हमारे पास हमेशा कोई ना कोई आजकल जो है, अगर कोई बंदा है अगर वेडिंग फोटोग्राफी में घुस रहा है, हाँ, तो जो है पूरे साल तो उसको कमाना ही है, तो कैसे मैनेज करेगा? देखिए मैं इस चीज़ को ऐसे लेता हूँ कि अगर आप पूरे साल काम करेंगे तो शायद आप नया कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो जैसे अगर हम अपनी बात करें, फ्रॉम नवम्बर टू ऑलमोस्ट में वी वर्क फ्रॉम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इज ये जो 4 महीने हैं ये हम अपनी टीम को अपने ऊपर देते हैं। लाइक इन दिस ईयर हम रिकैलकुलेट करते हैं कि हमने क्या गलतियाँ की, हमें क्या करना है आगे, बिकॉज हर साल आपको इम्प्रूव होना है। अगर आप साल के 12 महीने काम करते रहें तो आपके पास खुद को इम्प्रूव करने के लिए टाइम ही नहीं है। तो आई थिंक ये वेडिंग प्रोफेशनल और वेडिंग फोटोग्राफी की फील्ड ऐसी, अगर आप सीजन में भी काम करते हो, बाकी टाइम अपने खुद को ग्रो करने के लिए देते हैं, तो दैट इज़ मोर देन एनफ। एंड एवरी वेडिंग फोटोग्राफर शुड टेक अ ब्रेक एटलीस्ट फॉर कपल ऑफ मंथ्स, जहां वो ये चीज़ रियलाइज़ कर पाए कि मैंने जो इन 8 महीनों में काम किया उसको मैं और कैसे इम्प्रूवाइज कर सकता हूँ, कैसे अपनी टीम को एक ऐसे एटमोसफेयर में ला सकता हूँ कि हम भी डेवलप। आजकल जो है मोबाइल फ़ोन और मोबाइल कैमरा इतने अच्छे अच्छे आ गए हैं कि लोगों को कई कई लोग जो है पूरी पूरी शादियों से शूट कर सकते बिल्कुल हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ नुकसान होता है, आप लोग का क्या है? देखिए मैंने ये चीज़ शायद पहले भी एक बार डिस्कस की थी, फ़ोन फोटोग्राफी और कैम मतलब जो फोटोग्राफी कैमरे से होती है इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको जो कैमरे पर देख रहा है डेफिनेटली वो एट अ मोमेंट बहुत अच्छा है, बट एक प्रोफेशनल वर्क फ्लो के लिए पूरी चीज़ कंबाइन करने के लिए, एक फाइनल आउटपुट डिलीवर करने के लिए, एक जो प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर विद प्रोफेशनल कैमरे से कर रहा है वो अभी दूर दूर तक कैमरे में नहीं है वो चीज़, और मुझे नहीं लगता कि आगे जाके भी ये चीज़ चैलेंजिंग होगी, बिकॉज आज की डेट में भी बहुत अच्छे अच्छे कैमरेज हैं। डेफिनेटली कुछ चीज़ें आज भी हम जब हम कहीं भी कभी शूट करते हैं तो कुछ चीज़ें मोबाइल से भी शूट करके डाल देते हैं, बिकॉज उस इमोशन या उस मोमेंट की बहुत इम्पोर्टेंट फील है। बट मुझे ये बिल्कुल भी ये कहना गलत होगा कि मोबाइल फोटोग्राफी टेक ओवर कर लेगी शायद कैमरे को या प्रोफेशनल फोटोग्राफी बिजनेस को। जैसे हम देखें कि बड़े बड़े फोटोग्राफर जो है फिल्म इंडस्ट्री के बड़े फोटोग्राफर जो अपना कैलेंडर लॉन्च करते हैं, कुछ करते हैं, तो आप जो है फ्यूचर में कुछ देखेंगे आपके? हमारा भी कुछ ऐसा प्लान है कि एक वेडिंग कैलेंडर हम थ्रू आउट द ईयर निकालें और जो जो सेलिब्रिटीज़ या जो जो हमारे फेमस प्रोजेक्ट्स हैं वो उसके साथ हम कोलैबोरेट करें, तो डेफिनेटली ये अपकमिंग हमारे लिए एक सोचने का विषय है। थैंक यू।